विश्व भर में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पीने का पानी है नहीं। लेकिन अगर हम अपने घर को ही देखें, अपने भारत को ही देखें, तो ये सुनकर बहुत दुख होता है कि हमारे जितने भी फार्मर्स हैं, हमारे एग्रीकल्चर को अफेक्ट हो रहा है। वहाँ पानी नहीं है, और पानी नहीं होगा तो वो खेती कैसे करेंगे। वो खेती करने के लिए बहुत पैसे लोन पर लेते हैं, जो इसी भरोसे चलते हैं कि बारिश बहुत होगी, बारिश कृपा करेगी तो फिर अच्छी फसल होगी, फिर वो भी कुछ कमाएंगे। लेकिन जब वो कर नहीं पाते, तब हम फार्मर्स सुसाइड्स की बात सुनते हैं। और ये शर्मनाक बात है कि हमारे यहाँ पर इतनी बारिश होती है, और हमसे बस कुछ ही किलोमीटर दूर, 100-150 किलोमीटर दूर, हमारे ही कुछ लोग, हमारे ही साथी, हमारे ही देशवासी पानी की कमी की वजह से उनको आत्महत्या करनी पड़ती है। इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। कहते हैं जो धरती है, जो हमारा अर्थ है, जब उसकी पिक्चर्स देखें आप, तो इट्स मेड ऑफ 70% ऑफ वाटर, बट नॉट ऑल ऑफ इट इज ड्रिंकिंग वाटर। समंदर का पानी ज़्यादा है, ऑब्वियसली वो आप सारा पी नहीं सकते। तो जितनी बारिश आपके यहाँ होती है, ज़रूरी है कि आप पानी को बचाएं। उसके अलग अलग तरीके भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब भगवान भरोसे चलते हैं कि इस साल बारिश अच्छी हुई तो कुछ कर लेंगे। लेकिन फिर बारिश होती है, हम बारिश में जाकर भीगते हैं, आनंद लेते हैं, और फिर भूल जाते हैं। फिर अगले साल यही होता है, भगवान इस बार बारिश अच्छी हो जाए, हम इस पानी को बचाएं तो कितना अच्छा हो। धरती की बात कही, अब हमारा शरीर है, वी आर मेड ऑफ 70% वाटर। हमें इतना पानी चाहिए हमारे शरीर के अंदर ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। और कल को इसी पानी की कमी हो जाए तो हम क्या जी पाएंगे, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? नहाना धोना तो दूर की बात, बहुत सिंपल सहज सी बात है कि पानी को बचाना है। एक इम्पॉर्टेंट काम जो पिछले साल धक्का लगा हमें, जिस तरह की बारिश हुई, मेरे ख्याल से जून में एक दिन बारिश हुई, फिर 2 महीने बारिश ही नहीं थी, लापता थी, नदारत बिल्कुल। मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी पानी की प्रॉब्लम नहीं हुई। आई बीन वन ऑफ द लकी फ्यू जिसमें कभी 2 घंटे का भी वाटर सप्लाई कट देखा नहीं, तो मुझे आदत ही नहीं। और पिछले साल भी, जबकि पूरा देश पानी की समस्या से जूझ रहा था, हमारे यहाँ पानी था। शायद इसलिए कि हमारी बिल्डिंग में लोग कम हैं, लेकिन जो भी कारण हो, हमारे यहाँ पानी कम था। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि क्या मैं अपने बच्चे को एक ऐसी ज़िंदगी दे पाऊँगी जो आज से आने वाले कुछ सालों के बाद उसे भी वही ज़िंदगी मिले जैसी मुझे मिली थी, जहाँ पानी की कोई समस्या नहीं थी। तो मुझे लगा शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे घर के इतने नज़दीक पानी की इतनी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने सुना, हमारे जस्ट मीरा रोड जैसी जगह जो कि इतनी नज़दीक है, वहाँ कुछ लोगों के घर में पिछले साल 2 दिनों में एक बार पानी आता था, सिर्फ आधे पौने घंटे के लिए। तो दिल दहल गया। तो सबसे पहले तो मैंने अपने घर में एक टब था, वो उठा के बाहर फेंक दिया, कि वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। अगर बच्चे महीने में एक बार भी उस टब में खेल करके मस्ती करते थे, तो मैंने वो भी बंद करवा दिया कि ये बहुत ज़्यादा पानी की वेस्टेज है। सबसे पहले ये घर में जो शावर है, वो पिछले साल पूरी तरह से, और अब भी शावर यूज़ करना हमने बंद कर दिया। हमने बकेट यूज़ करना शुरू किया, और तब हमने रियलाइज़ किया कि अगर आप शावर 5 मिनट भी खुला रखें तो कितने, आई थिंक 2-3 बकेट पानी निकल जाता है। और जब आप नहाते हो, आधे बकेट पानी में आपका नहाना हो जाता है, तो यू सेव वाटर। तो इस तरह से आप पानी अपनी अपनी तरीके से, जो आपके लिए आसान हो, आप पानी बचाएं। ब्रश करते हो तो सबसे कॉमन चीज़ है कि ब्रश करते हो पानी बंद कर दें। बस ऐसी कोशिशें हमारी भी जारी है, और बस बहुत जल्द उम्मीद है कि हमारी बिल्डिंग में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगी। सो आई गेस विल बी 1 स्टेप अहेड। छोटा छोटा प्रयास होता है, एक एक कदम करके आप आगे बढ़ते हैं। आई एम श्योर कि आगे हम अपने बच्चों को एक खुशहाल भारत देखने को मौका देंगे। नमस्कार, मैं हूँ राजेश्वरी सचदेव। मैंने पानी का टीका लगाया है। मैं चाहती हूँ मैं अपने घर से ही शुरुआत करूँ, और ये पानी का टीका अपने पति वरुण बड़ोला को लगाऊँ, अपने पिताजी VM बड़ोला को लगाऊँ, और साथ ही मैं कुछ दोस्तों को भी शामिल करूँगी, रजत कपूर, दिव्या दत्ता, इला अरुण, और हम सब मिलकर पूरे देश को पानी का टीका लगाएं।